इस वीडियो में हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी लाइट लाइट सोर्स से एमिट होती है, तो वो लाइट स्ट्रेट रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है ये लाइट रे जब किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तब वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होने लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब करता है लेकिन सभी ऑब्जेक्ट्स लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते लाइट एब्जॉर्ब होगा या नहीं ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है एग्जाम्पल के लिए मेटल्स लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं करते जिसकी वजह से वो शाइन करते हैं वही दूसरी और वुड लाइट को ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करते यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए मिरर जिस ऑब्जेक्ट के सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऐसे ऑब्जेक्ट के सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं आइए अब जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं जब लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्मूथ पॉलिश सरफेस पे फॉल करती है तब लाइट रे बाउंस बैक हो या लाइट रे की डायरेक्शन चेंज हो तो उस फेनोमिन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सर्फेस अब मान लीजिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ओ एम है और सरफेस पे फॉल करने वाली लाइट रे ओ पी है इन दोनों लाइन के बिटवीन जो एंगल है उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसे आई से डिनोट करते हैं लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइन ओ क्यू के अलोंग ट्रेवल करती है लाइन ओ एम और लाइन ओ क्यू के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिटरमाइन करने के लिए दो लॉ दिए गए हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन Second law. The incident ray. The normal to the mirror at the point of incidence. And the reflected ray. All must lie in the same plane. Thanks for watching. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर और लाइक करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में